हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर टू। आज हम पढ़ेंगे आइसोमर्स। ये एक बड़ा आर्टिकल है और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आइसोमर्स, क्या कोई बच्चा आइसोमर की डेफिनेशन जानता है? व्हाट, हाउ यू डिफाइन आइसोमर्स? कोई बच्चा आइसोमर? यस सर। What are isomers? Isomers are both compounds which have the same molecular formula but different chemical and physical properties. Very good. It's a correct definition. Write down isomers. These are those molecules which has same molecular formula. But different physical and chemical properties. Same molecular formula, but different physical and chemical properties. Different physical and chemical properties. Isomers are those molecules which has same molecular formula but different physical and chemical properties. कुछ बच्चे ये बोलते हैं, isomers are those molecules which have same molecular formula but different structural formula. ये definition गलत है। अगर आप ये वाली definition बोल रहे हैं तो ये structural isomer की definition। These are those molecules which has same molecular formula but different physical and ये किसकी definition है? अगर क्या बोलते हो, these are those molecules which has same molecular formula but different, तो ये किसकी definition बन जाएगी? आगे हम लिखेंगे अभी। Isomers are of two types. Structural isomers and stereoisomers. Structural isomers and stereoisomers. Structural isomer and stereoisomers. Structural isomer is just of four types. Write on. पहले एक्सेप्टिंग, पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन लिखिए। Write on. हेडिंग लिखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर। अच्छा, टाइप्स लिखना चाहते हैं। जो डेफिनेशन लिख रहे हैं वो लिखिए, दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट structural formula different molecular formula but different structural formula it is just of four types hydrated isomers, ionization isomer, linkage isomer. And complex isomers. इसको जल्दी से पहले लर्न करिए। अब हम करने लगे हैं सबसे पहले हाइड्रेटेड आइसोमर।
क्या आइसोमर में एक चीज तो आएगी आएगी क्या सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला तो लिखिए हाइड्रेटेड आइसोमर्स आर दोज मॉलिक्यूल्स हाइड्रेटेड आइसोमर्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला But releases different number of water molecules. Releases different number of water molecules on dissociation. इधर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट ली एफ ई एच टू ओ सिक्स टाइम्स सी एल थ्री एफ ई एच टू ओ सिक्स टाइम्स सी एल थ्री जब हम इसको पानी में डालेंगे वाटर में एक्वस स्केयर ब्रैकेट का भी डिसोसिएट नहीं तो ये क्या बनेगा एफ ई एच टू ओ हाउ मेनी टाइम्स सिक्स टाइम्स प्लस थ्री सी एल नेगेटिव तो यहाँ क्या आ जाएगा इसने कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किए क्या कोई प्लस वाटर निकला अब हमने क्या किया एक वाटर बाहर निकाल दिया कितने वाटर रह गए पांच एक सीएल अंदर चले गया अंदर छह ही रखने वर्नियर थ्योरी क्या कहती थी सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स तो मुझे एफ ई के साथ जो चीजें रखनी है वो छह ही रखनी है तो मैंने एक वाटर कम करके एक सीएल अंदर ले आया वाटर हमने बाहर लिख दिया क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना है डॉट सीएल टू सीएल दो रह गए ना एक तो कहां चले गया अब जब ये डिसोसिएट होगा स्क्वायर ब्रैकेट तो डिसोसिएट नहीं होगी एफ ई एच टू ओ हाउ मेनी टाइम्स फाइव टाइम्स सीएल भी अंदर रहेगा एक सीएल अंदर रहेगा प्लस एक वाटर निकलेगा प्लस कितने सीएल निकलेंगे तो कुछ सीएल निकलेंगे अब ऊपर चार्ज क्या आएगा अब क्या इन दोनों मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम है मैं अंडरलाइन करके दिखाता हूं कलर इसका फॉर्मूला एंड इसका फॉर्मूला सेम है मॉलिक्यूल फॉर्मूला चेक करो एफ ई कितने है एफ ई कितनी है वन सी एल कितने हैं थ्री सी एल कितनी है सी एल कितने थ्री वाटर कितने हैं सिक्स तो ये क्या बन गए मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम है बट वाटर कितने रिलीज हो रहे हैं ऊपर वाले केस में कितने वाटर रिलीज हुए जीरो नीचे दोनों का मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम पर वाटर रिलीज मैं भी और भी एग्जांपल बना के दिखाऊंगा अभी मैं और बना के दिखाऊंगा पहले अभी दो एग्जांपल लगते हैं अब हमने क्या किया अब हमने एक वाटर और बाहर ले गए कितने वाटर है ये एक सीएल अंदर और ले आए बाहर कितने वाटर हो गए टू सीएल कितने हो गए वन जब इसे डिसोसिएट करेंगे एक्वस रूल एक्वस मतलब पानी में डालने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट तो ऐसे की ऐसे ही रहेगी एफ ई एच टू हाउ मेनी टाइम्स सीएल टू विद टू वाटर प्लस वन बोलो समझ आया है yes. अब ये तीनों एक दूसरे
एक दूसरे तीसरे के, ऐसे तो एक दूसरा होता, अब ये क्या बनेगा, एक दूसरे तीसरे के क्या है, ये तीनों एक आपस में आइसोमर्स हैं एक दूसरे। एक और बन सकता है अभी, कैसे कैसे, अब मैं एक वाटर और बाहर ले जाऊं, कितने वाटर रह जाएंगे, सीएल कितने अंदर हो जाएंगे, वाटर कितने बाहर हो जाएंगे, थ्री। अब Fe H2O how many times, three times, Cl3 plus just एक छोटी सी एरर है, ये डॉट होना चाहिए, यहाँ प्लस लिखा गया, यहाँ क्या आएगा, थोड़ा पास करके लिख देते हैं, डॉट थ्री H2। आप सोच रहे होंगे मैंने इतने सारे एग्जांपल क्यों लिखे, बेटा मैं ये नहीं चाहता कि आप डेफिनेशन को समझो, मैं इसके साथ आपको कई चीजें और सिखा रहा हूँ, हाउ टू हैंडल आयंस, हाउ टू हैंडल वाटर मॉलिक्यूल, हाउ टू हैंडल सेकेंडरी वैलेंसी, एक चीज के साथ मैं कई चीजें सिखाना चाहता हूँ। अब इस डेफिनेशन को कराते कराते अभी जब हम सेकेंड डेफिनेशन लिखेंगे आप कहेंगे हमें समझ आ गई, तो जब आप ज्यादा टाइम लगा रहे हैं एक डेफिनेशन पे उसके साथ आप कई चीजें और भी सीख रहे हैं, चलिए इसको नोट करिए। हो गया सबका, नोट कर लिया है, बेटा नोट कर लीजिए, हाइड्रेटेड आइसोमर्स इज ऑल्सो नोन एज सॉल्वेटेड आइसोमर्स, हाइड्रेटेड आइसोमर इज ऑल्सो नोन एज सॉल्वेटेड आइसोमर। अब हम करने लगे हैं आयोनाइजेशन आइसोमर, these are those molecules which has same molecular formula but releases different ions on dissociation. अब ऊपर वाले एग्जाम्पल देख लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट आयंस जो रिलीज हो रहे हैं वो डिफरेंट। आप कहेंगे सर ये तो हाइड्रेटेड आइसोमर का एग्जाम्पल है, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आइसोमर क्या होता है। आइसोमर एक कैटेगरी है जो हम किसी को समझाना चाहें, समझना चाहें, उसमें आसानी हो। मैं एग्जांपल कहता हूं, ही इज पंजाबी, आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी कि नॉनवेज खाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, हो सकता है ड्रिंक भी करता हो सकता है थोड़ा सा ओवरशो हो सकता है, लैविश जेब में पैसे हैं कि नहीं है पर दिखावा जरूर होगा। मैं बोलता हूँ हरियाणवी, आपके मन में एक चीज क्लियर होगी, पैसा चाहे जितना मर्जी हो कम खर्चेंगे, हो सकता है बीड़ी पीते हो and they might have 100 kilos but wearing dhoti and known as tau. मैं बोलता हूँ हिमाचली, आप कहेंगे white complexion, very hard working, they can walk a lot,
they can work for long hours, they are committed to their work. Main kehta hu South Indian, they must have consuming dosa, sambar, idli. Means listen, try to understand. I'm not against any community or anything, just thoda sa mazak bhi add kar dete. Reality mein ये कम्युनिटी भी एक आइसोमर ही है. मेरे एक वर्ड बोलते ही आपको कुछ पिक्चर क्लियर हो जाते. ये हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करते. मैं बोलता हूं अडल्ट माइनर, आपके ब्रेन में एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी. अबव 18 बिलो 18. मैं बोलता हूं मेल फीमेल, आपके ब्रेन में एक इमेज क्लियर हो जाएगी. तो ये सारी के सारी जो भी हमने बनाया, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं अ 6 feet पंजाबी गाय, आपके ब्रेन में क्लियर हो जाता है कि भैया कैसा हो सकता है. और मैं लिखता हूँ 6 feet साउथ इंडियन गाय, तो पूरी इमेज बदल जाती है. और मैं बोलता हूँ 6 feet हिमाचली, मुश्किल है यार 6 feet वो भी हिमाचली. तो वो मीन्स I don't say यार कि हिमाचल में 6 फुट के नहीं, थोड़े कम होते हैं. तो ये क्या हो रहा है, a 6 feet बंगाली फिश, आपको ध्यान है ये पक्का फिश खाता हो. तो ये सब क्या है, मैं आपको बोलता हूँ. रेज अ हैंड हु आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड. साइंस बैकग्राउंड, कैन आर यू फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, यस और नो? रेज अ हैंड हु आर फ्रॉम मेडिकल. पर आपने दो बार हाथ कैसे खड़ा कर, आप तो साइंस में भी कर रहे थे और मेडिकल में भी कर रहे हैं. मैं बोलता हूँ रेज अ हैंड हु आर फीमेल्स, कुछ तो पड़ोस में खड़ा करूंगी नहीं. अब आपने 3 बार हाथ क्यों खड़ा किया? जैसे एक पर्सन कई डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, ऐसे एक एग्जाम्पल भी कई डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर सकता है. बात को समझिए, यही एग्जाम्पल हमने कहां लिखा था, यही एग्जाम्पल आपने कहां लिखा, क्योंकि डेफिनेशन को जस्टिफाई कर. तो अपने दिमाग से पहले तो ये निकाल दीजिए कि एक एग्जाम्पल एक ही जगह आ सकता है, एक एग्जाम्पल कई जगह आ सकता है. कंडीशनल कि वो डेफिनेशन को क्या करे, क्या ये ऊपर वाली डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये नीचे वाली डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. कल को जरूरत पड़ेगी कोई और डेफिनेशन सेटिस्फाई करेंगे तो भी करेक्ट. तो पहले तो एक तो हमने लिखा कि आइसोमर ये होते हैं. आपके ब्रेन में क्लियर हो गया आइसोमर क्या होता है. आइसोमर एक सिर्फ कैटेगरी है जिससे हम चीजों को आसानी से समझ सकते. मैं बोलता हूँ मेटल्स, मैं बोलता हूँ नॉन मेटल्स, आपके ब्रेन में कुछ इमेजेस आ जाते हैं, गुड कंडक्टर, मेटल, शाइनिंग, ये वो. मैं बोलता हूँ नॉन मेटल्स, आपके ब्रेन में कुछ चीजें नहीं रहती है, बैड कनेक्टर, इट इज डल, इट इज दिस. ये भी क्या है, कैटेगरी जिसे हमें समझना समझाना क्या हो जाए इजी. पर ध्यान क्या रखना है, वन एग्जाम्पल कैन जस्टिफाई मेनी डेफिनेशन. तो फिलहाल ये वाला एग्जाम्पल जो आपके सामने लिखा हुआ है, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बट आयंस जो रिलीज हो रहे हैं वो, तो ये किसके एग्जाम्पल्स बन गए, आयनाइजेशन आइसोमर के भी एग्जाम्पल. जरूरी नहीं कि आपको चारों लिखने, आप 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 1 नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते, किसने लिखा दोज मॉलिक्यूल्स, एस वर्ड लगाओ. मॉलिक्यूल्स मीन्स मिनिमम 2, विच आर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एक चीज का फॉर्मूला सेम थोड़ी हो सकता है, 2 चीजों का ही होगा. तो इसलिए मिनिमम एग्जाम्पल्स 2, रेस्ट इज योर चॉइस. बोलो क्लियर है, ये जल्दी से नोट करिए. नेक्स्ट इज लिंकेज आइसोमर. लिंकेज आइसोमर, दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स, these are those molecule which has same molecular formula.
same molecular formula, but different way of linking. Different way of linking a ligand. Different way of linking a ligand. What are the ligand? It's a lone pair. Amidally. Fe. CN six times. CN3. Sir, the answer देखिए. Fe CN6 CL3. मैंने अभी एक और एग्जांपल लिया. Fe NC six times CL3. पहले बताइए ऊपर वाले मॉलिक्यूल में कितने Fe हैं? नीचे वाले में? ऊपर वाले में कार्बन कितने हैं? कितने हैं? पक्का? और नहीं सर. जगमोहन, जगमोहन जी है क्या नाम अपना? जसमोहन, जसमोहन जी खड़े रहेंगे. जसमोहन जी ऊपर वाले एग्जांपल में कार्बन कितने हैं? यार सीएल में भी तो कार्बन है. हाँ है ना, कितने कार्बन हुए फिर? छह अंदर अब तीन बाहर, नौ नहीं है. ब्रैकेट का भी तो नहीं अंदर कहीं. कार्बन कितने हैं? खड़े रहेंगे सर. सर ऊपर वाले एग्जांपल में कार्बन कितने हैं? नौ. सर खड़े हो, सर नौ वाले खड़े तो हो जाओ, बोलना नहीं है सर. अभिषेक जी कितने हैं? तो भी यार सर हम नौ गिन रहे हो. आप बताइए सर. हैं यार आगे तीन बंदे नौ कह रहे हैं, तुम दोनों छह कह रहे हो. ऊपर वाले एग्जांपल में कार्बन ही नहीं है. खड़ा यार ऊपर वाले, ऊपर वाले कंपाउंड में कितने कार्बन है? देखिए घर वाले कहते साढ़े बच्चे बड़े इंटेलिजेंट, जो एग्जाम्पल में कार्बन नहीं गिन सकते उन्हें केमिस्ट्री पास करवानी अच्छे नंबरों से. कोई कहता छह, कोई कहता नौ, कोई कहता है ही नहीं. पंजाबी जी एक वर्ड है बेड़ा गर्क होना. केड़ा सर? छे है सर, छे या छे. हाँ जी आप भी बोल दीजिए सर जो ऑनलाइन बैठे. सर छे. कितने सर बोल दीजिए. सर सिक्स. सिक्स सर है तो सिक्स ही. ये तो मैं वैसे फीलिंग से ले रहा था. अच्छे जो ऊपर वाला कंपाउंड है उसमें जो Fe है उसको कार्बन लोन पेयर दे. कौन लोन पेयर दे रहे? कार्बन. जो नीचे वाला कंपाउंड है सीएल तो बाहर होगा ना इसके. आप लिखो ही मत सीएल, नहीं लिखना तो आप ऐसे भी कर सकते हो. क्या कर दो इस पे, क्या लगा दो? थ्री नेगेटिव चल रहा है, सीएल तो थ्री पॉजिटिव. नीचे वाले में Fe, यहां पे NC, नाइट्रोजन लोन पे, यहां पे नाइट्रोजन लोन पे. क्या दोनों कंपाउंड में डिफरेंस समझ आया है? सीएन लिख रहे हो तो कार्बन लोन पेयर दे रहा है, एनसी लिख रहे हो तो
नाइट्रोजन लोड आपने स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने, स्ट्रक्चर आपके ब्रेन में क्लियर होने चाहिए। मीनिंग क्या है? पहले ये दो एग्जांपल पढ़ेंगे, लिखो एग्जांपल वन। ये दोनों लिखने पड़ेंगे, मैंने बताया ना एक एग्जांपल में दो केसेस दो बनाने, तो उन्होंने बढ़ते। ये एग्जाम्पल वन, अब मैं तुम्हें एक और दिखाता हूं। अब इसी केस में मैं थोड़ी मॉडिफिकेशन करता हूं, पहले तो इसको हटा देते हैं बीच में से। जैसे सीएन लोन पेयर में चेंज कर सकता है, ऐसे एक और बना सकते हैं आप। एग्जाम्पल टू समझा रहा हूं, एग्जाम्पल टू में देखिए एफ ई सी एन एस, एफ ई एन सी एस सिक्स टाइम्स थ्री पॉजिटिव। सर सी एन होता है साइनाइड, एन सी होता है आइसोसाइनाइड, सी एन एस थायोसाइनाइड, सल्फर को थायो कहते हैं, एनसीएस आइसो थायोसाइनाइड, आइसो थायोसाइनाइड, ये कॉमन है। वैसे जो आयुर्वेदिक नेम्स होते हैं उसमें चलता है आइस, ये ऊपर वाला है थायोनाइट्राइड, थायोसाइनाइड तो कॉमन नेम, आयुर्वेदिक तो नाइट्राइल है। ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल टू का फर्स्ट पार्ट वो है थायोनाइट्राइड, सेकेंड पार्ट आइसोथायोनाइट्राइड, ये एग्जाम्पल टू है। ऊपर कौन लोन पे डोनेट कर रहा है? कार्बन। नीचे एक और भी होता है, इसको देखो एफ ई एनओ टू सिक्स टाइम्स थ्री पॉजिटिव, एफ ई अब ऊपर कौन लोन पे डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन। नीचे दीज आर दोज मॉलिक्यूल विच हैव सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला बट डिफरेंट वे ऑफ लिंकिंग आर लोन पेयर, देने वाला एटम ही बदल जाता है। तो मैंने आपको कितने एग्जांपल लिख के दिखाए? थ्री। मेन है कंसेप्ट समझ आया है? ओ हाँ या ना? यस सर। थ्री नो डेफिनेशन लिख ली थी, एग्जांपल नोट की थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स आइसोमर, कॉम्प्लेक्स आइसोमर। दीज आर दोज मॉलिक्यूल, दीज आर दोज मॉलिक्यूल इन विच कैटायन एंड अनायन, कैटायन एंड अनायन cation and anion, both are complexes, both are complexes and the molecules contain different ligands, different ligands with the metals, with the metals. अब इसमें क्या किया? पहली बात तो दो स्केयर ब्रैकेट ली जाएंगी, एक मॉलिक्यूल, ये एक ही मॉलिक्यूल होगा जो इतना बड़ा लिखता हूं,
कैटायन वो होता है जो पहले लिखा जाता है, अनायन होता है बाद में लिखा जाता है। जनरली कैटायन पहले लिखा जाता है, अनायन बाद में लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ एफ ले लिया, यहाँ क्रोमियम ले लिया, यहाँ पे मैंने अमोनिया ले लिया, यहाँ पे वाटर। ये दोनों ही क्रोमियम और Fe दोनों ही छह छह बॉन्ड बनाते हैं। वैसे बता रहा हूं जो D ब्लॉक है वो 21, 22, 23 से लेके 29 और 30 तक चलता है। एटॉमिक नंबर D ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम 21 फिनिशेस एट 30। जो शुरू वाले एलिमेंट होते हैं 21, 22, 23 और जो आखिरी वाले होते हैं वो जनरली 4-4 की वैलेंसी शुरू, और जो बीच वाले होते हैं वो सारे के सारे लगभग 6 बॉन्ड। कोई रूल नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन। एक होता है रूल, एक होता है ये मेरी ऑब्जर्वेशन। ये जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के वो जनरली 4-4 बॉन्ड बने, और जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं वो 6 बने। तो इससे तुम्हें अंदाजा होगा कि हाँ किसमें 4 लगने, किसमें। अब Fe is 26 बीच में, क्रोमियम 24 वो भी बीच में है, दोनों कितने कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 6-6। तो मैंने Fe के साथ 6 अमोनिया लगा दिए एंड क्रोमियम के साथ 6 वाटर। ये एक एग्जांपल 1 है। अब इसी का मैं दूसरा एग्जांपल बना रहा हूं क्योंकि आइसोमर में 2 एग्जांपल चाहिए होते हैं। दूसरा एग्जांपल, अब मैंने Fe के ये Fe ले लिया, ये मैंने क्रोमियम ले लिया, इसके बाद साथ मैंने क्या कर दिया वाटर 6 टाइम्स और इधर अमोनिया 6 टाइम। पहले बताओ मैं 2 मॉलिक्यूल्स को हाईलाइट कर रहा हूं, ये मॉलिक्यूल 1, दिस इज मॉलिक्यूल 2। मॉलिक्यूल 1 एंड मॉलिक्यूल 2 का मॉलिक्यूल हमारा सेम है, कितने Fe ऊपर है, नीचे, ऊपर क्रोमियम कितने हैं, नीचे, ऊपर वाटर कितने हैं, नीचे कितने हैं, ऊपर अमोनिया कितने हैं, नीचे भी कितने हैं, तो मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम है। कैटायन अनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स, अनायन स्क्वायर ब्रैकेट मींस कॉम्प्लेक्स, पर मेटल के साथ जो लीजेंड लगे हैं वो डिफरेंट है। ऊपर Fe के साथ क्या लगा है, नीचे, ऊपर क्रोमियम के साथ क्या लगा है, नीचे क्रोमियम के साथ। कैटायन अनायन दोनों कॉम्प्लेक्स पहला, मेटल के साथ लीजेंड लगे वो डिफरेंट, एंड कैटायन भी कॉम्प्लेक्स, अनायन भी कॉम्प्लेक्स, सारी कंडीशन जस्टिफाई हो रही है, तो ये क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स। क्या बन गए, वो समझ आ रहा है। स्टीरियो आइसोमर, These are those molecules. These are those molecules which has same molecular formula. But different arrangement of atom in space. They are of 2 types.
there are two types. पहला geometrical isomer, कुछ लोग ऐसे geometrical भी कहते हैं, geometrical isomers. दूसरा optical isomers. दूसरा है optical isomers. ऑप्टिकल आइसोमर्स. अब है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, लिसन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को डिफाइन नहीं किया जाता, समझा जाता है. ये दो तरह के होते हैं, सिस एंड ट्रांस. क्या होते हैं? इट इज ऑफ टू टाइप्स, सिस एंड ट्रांस. Listen, आपके सिलेबस में चार तरह की ज्योमेट्री है, चार तरह के स्ट्रक्चर. वो चार कौन कौन से समझ लीजिए. पहला होता है टेट्राहेड. दिस इज टेट्रा. जो चार बॉन्ड बनाते हैं वो या तो टेट्राहेड्रल शो करते हैं या वो स्क्वायर प्लेनर शो. क्या शो करते हैं? स्क्वायर है स्केयर. ये चार वाले दो थे स्केयर प्लेन. ये चार वाले दो हैं, छह वाला एक ही होता है. चाहे आप डी टू एस पी थ्री कह दो या एस पी थ्री डी टू कह दो, हाइब्रिडाइजेशन एक ही होता है. दैट इज ऑक्टाहेड. कौन सा? ए बी ये दो हाइब्रिडेशन होती हैं, sp3 d2, d2 sp3. कोई भी हाइब्रिडेशन आ जाए, छह में एक ही शेप होती है, दैट इज ऑक्टाहेड. ये टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं. अब हमें इसमें सिस और ट्रांस बनाने. पहली बात, टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते ही नहीं. टेट्राहेड्रल हैज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नाइदर सिस नॉर ट्रांस. उसका रीजन समझाता हूं. कैन आई टेक सम पेन? टेट्रा मतलब चार. टेट्रा मतलब चार. मैं कैमरा भी ऑन कर रहा हूं, कोई देखना चाहे तो देख सकते हैं. अच्छा, दिस इज टेट्रा. दिस व्हाट? टेट्रा में चार, वन टू थ्री फोर. बट रियलिटी में ये ना इक्विडिस्टेंट है. जितना इन दोनों का डिस्टेंस है उतना ही इन दोनों का डिस्टेंस है, उतना ही इन दोनों का, हर सबका इक्विडिस्टेंट है. तो ना तो कोई ऑपोजिट है ना ही कोई कॉन्सिक्यूटिव. बात को समझो, टेट्राहेड्रल में कोई भी क्या नहीं है, ना तो कोई ऑपोजिट है ना ही कोई. बेटा ट्रांस होता है ऑपोजिट, ट्रांस होता है ऑपोजिट, सिस होता है कॉन्सिक्यूटिव. अब ये वाला ना तो कॉन्सिक्यूटिव है ना ही ऑपोजिट है,
जितना इन दोनों में डिस्टेंस है उतना ही इसमें डिस्टेंस है, उतना ही सब में एग्जैक्ट 109 डिग्री 28 मिनट्स है। व्हाट इज द एग्जैक्ट एंगल? 109 डिग्री। तो इसमें कोई ऑपोजिट ही नहीं है, तो इसलिए ना इसमें सेस होता है ना ही इसमें ट्रांस। किसमें नहीं होता? ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। Which geometry has no geometrical isomers? That is tetra. नीचे नोट लिख दो, नोट, tetrahedral geometry has no geometrical isomer. Tetrahedral geometry has no geometrical isomers. अब आइए, अब हम उनको स्केयर प्लेन करके दिखाते हैं। स्केयर प्लेनर जो होता है, ये हमने चार ले लिए, ये बीच में टी, 1, 2, 3, 4 हमने चार नंबरिंग्स रख दी, सो दैट आपको पता रहे हम किस नंबर की बात कर रहे हैं। अगर मैं ये कंपाउंड बनाता हूं FeCl Cl Br Br, तो ये ऑपोजिट साइड है। आप बीआर की जगह कुछ और भी ले सकते हो, ये अपने आई डी। कौन कौन से पे ऑपोजिट लगे हुए? नंबर 1 and 3, 1 and 3 इज ऑपोजिट, तो दिस इज ट्रांस। Is what? एक और FeIICl Br. What is this? Example 2, cis or trans? कौन कौन से नंबर पे सेम है? 1, 3 and 2, 4 is trans. अब मैं लेता हूं FeCl Cl IF, अब ये क्या है? कौन सा है? 1, 2 is cis, 2, 3 is cis, 3, 4 is cis, 4, 1 is cis, but trans is only 2. Which one? 1, 3 and पक्का समय आ गया, चैलेंज हो जाए। चलो एक चैलेंज, FeCl Cl Cl I Cl Cl, ये वाला जो मैंने साइट पे बनाया, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, बाद में तुमको के दिखा नहीं, ये वाला, ये हाईलाइटेड एग्जांपल सिस है कि ट्रांस है, दोनों रेज हैंड जो कहते हैं दोनों है। घबराते क्यों है? मैं कड़ा प्राइस दे रहे, पीटीए कहते हैं दो है, आप क्या कहते हैं? हाथ तो खड़ा कर दे जाए ना भैया। इधर तीन चीजें सेम है, तीन चीजें सेम होने पे ना ज्योमेट्रिकल, ये ज्योमेट्रिकल ही नहीं है, ना सिस है ना ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर सर तब पॉसिबल होते हैं जब दो का पेयर हो, चाहे एक पेयर हो चाहे दो पेयर हो। दो पेयर कैसे? मैं एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए मैं यहां, मैंने यहां पे एफ लगा दिया, अब ये सिस है, दो पेयर सिस के, बात समझ आ रही है? तीन चीजें सेम होंगी तो कुछ भी नहीं होगा। जल्दी से इधर नोट करिए, सिस ट्रांस, मैं लिख देता हूं, ये वाला ट्रांस है, ये वाला भी ट्रांस है, ये कुछ नहीं है, ये सिस है। ट्रांस दो है बाकी सारे सिस हैं, ट्रांस दो है बाकी सारे सिस हैं। लिसन, छह वाले में ए, चार कॉर्नर्स हो गए, एट कॉर्नर
1 2 3 4 5 6 ये 6 है. दिस इज ऑक्टेडल. ऑक्टेडल में जो ट्रांस है वो है ट्रांस 1, 3 2, 4 5, 6 Rest all are cis. कहीं भी लगा लो बाकी वो cis ही बनेगी. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने Fe लिया Cl Br F I I water पीछे ये लग लगा. कौन कौन से नंबर पे सेम है? 5 and 3 is same. 5 and 3 is क्या ये उन तीन कैटेगरी में आता है? 1, 3, 2, 4, 5, 6 तो ये सस. ठीक है ठीक है सस. Listen, ये चार कॉर्नर क्या देख सकते हैं? चार कॉर्नर ये इसके ऊपर रख दिया, इवन इसके ऊपर रख दिया. इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 1, 2, 3 and 4 व्हाट द टॉप पॉइंट ऑफ दिस पेन के टॉप को क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे थे? 5 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 1, 5 इज इक्विडिस्टेंट टू 2, 5 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3, 5 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेम एज 6 सेम एज. ऑपोजिट तो सिर्फ 2 ही है, 3 ही है. 1 और 3, 2 and 4 टॉप वाला 5 and रेस्ट आपको दिखने में लग सकते हैं ऑपोजिट है पर वो ऑपोजिट है नहीं. 3D में अगर डायग्राम देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा? अब ये आपके सामने 3D वाला डायग्राम है. आप देखो 5 और 3 आपको लग रहा है दूर है, आपको लग रहा है 5 और 3 दूर है, 5 और 2 पास है. लग रहा है the distance between 5 and 2 and 5 or 3 are different but in 3D it is same. It is तो सिर्फ ट्रांस कौन से हैं? कौन कौन से? तो ये 3 ही ट्रांस है, बाकी सारे कोई भी. आप एक एग्जांपल सिस का बना लो, एक ट्रांस का बना लो. ये बनाई दिया मैंने, ये सिस का है, ट्रांस का भी बना देता हूँ. एक Fe H2O then Cl Br F. अभी मैंने कौन सा एग्जांपल बनाया, कौन कौन सा नंबर में बनाया? अब वाटर किस किस में है? 2, 4 ऑपोजिट साइड है. ये क्या बन गया? वो ये समझ आया है. नेक्स्ट है Stereoisomers, sorry, optical isomers. Optical isomers are of two types. Optical isomers are of two types. Optically active optically inactive optically active optically ऑप्टिकली एक्टिव. पहले ऑप्टिकली एक्टिव की डेफिनेशन देखो. ऑप्टिकली एक्टिव आर दोज आइसोमर्स हूज मिरर इमेज
mirror image is non-superimposable. 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 आइए मैं आपको सुपर इम्पोज करना सिखा रहा हूं. क्या हो हाँ जी हम आपको सुपर इम्पोज करना सिखा रहे. क्या आप ये दो अल्फाबेट पढ़ पा रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? अगर हम इस पेज को फोल्ड कर देते, अगर हम इस पेज को फोल्ड कर दें तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा. पर इसको सुपर इम्पोज करना नहीं है. दिस इज नॉट सुपर इम्पोज. सुपर इम्पोज होता है ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं. मैंने इसको बीच में से फाड़ दिया. बात को समझिए, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं ए, और मैं इसको ऐसे ला रहा हूं एक दूसरे के ऊपर. क्या एग्जैक्टली ऊपर आएगा? क्या ये इसके एग्जैक्टली ऊपर आ रहा है? इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज होना. क्या ये सुपर इम्पोज हो रहा है? हम एक और एग्जांपल देता हूं. मैं एक एग्जांपल और देता हूं. ये मैं अल्फाबेट बी ले रहा हूं. आई टेक एग्जांपल राइट पी. मैंने एक पेज लिया, उसमें मैंने बी लिख दिया और उसकी मिरर इमेज भी बना. ठीक है, ये बी इसकी मिरर इमेज है. अब अगर मैं पेज को फोल्ड करता हूं क्या ये उसके ऊपर आ जाएगा? यस आएगा. आएगा कि नहीं? पर इसको सुपर इम्पोज नहीं किया, ये तो हर इमेज आई. इसको फाड़ देना है, दोनों को अलग करिए. दोनों को अलग कर दिया. अब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं. अब क्या करना है? इसको ऊपर लाना है. क्या ऊपर आएगा? क्या ये इसके ऊपर आएगा? नहीं आ रहा ना. इसका मतलब सुपर इम्पोज नहीं हो रहा. सुपरिम्पोज उसने बोला ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? जो सुपरिम्पोज नहीं होते. क्या आपको सुपरिम्पोज करने का मीनिंग समझ आया? पेज नहीं उल्टा करना, पेज ऐसे लेके जाना है क्रॉस. बोलो वो समझ आ रहा है? इधर देखो, इधर भी करके देखें. इधर करके देखते हैं. ये हमने स्टॉप कर दिया. ये हमने लिया अल्फाबेट ए. ये इसकी मिरर इमेज. इन दोनों को हमने क्या कर दिया? ये एक एक ये रहा और ये उसकी मिरर इमेज. अब हम इसको सुपर इम्पोज कर ये उठाया. जा रहा उसके ऊपर. हो गया सुपर इम्पोज. सुपर इम्पोज हो गया. तो ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव. ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब इसकी मिरर इमेज में कोई एक्टिविटी नहीं है. अब मैंने लिया बी. इसकी मिरर इमेज ये बनी. दोनों को हमने एक ये एग्जांपल है और एक अब हमने सिलेक्ट कर लिया इसको. अब मैं उठा के लेके जा रहा हूं. क्या ये उसके ऊपर आ रहा है? देखो नहीं आएगा ना. इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज कर. क्या आ रहा है सुपर इम्पोज? नो, ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा. तो इसका मतलब जो नो सुपर इम्पोज, दैट इज नो सुपर इम्पोज, दैट इज ऑप्टिकली
बोलो बात समझ आई है? अभी हमने क्या लिखा था, मेरे में सुपरइम्पोज हो रही है कि नहीं हो रही? ए बी वाला एग्जांपल तो लिख ही लो, जब भी भूलोगे इसको देख लेना, ए और बी वाला एग्जांपल तो लिख ही लो। मैं दोबारा लिख दूं, इसको हटा दो, ए ले लिया, ए भी दूसरे वाला हो गया, ठीक है। ए इज व्हाट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव मीन उसकी मिरर में जो कोई है ही नहीं, दोनों सेम है, ये इनएक्टिव। बी इज एक्टिव, बी की मिरर इमेज में और बी में फर्क है। बोलो दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई? मैं एक एग्जांपल भी दिखाता हूं, देखो एफ ई सी एल सी एल बी आर F, F, इसके मिरर इमेज बनाओ, F, E, C, L, you know how to draw mirror images, C, L उल्टा मत लिख देना, F, F, B, R, B, R, क्या इसके मिरर इमेज में फर्क है? You know how to draw the mirror image? क्या इसके मिरर इमेज में फर्क है? तो ये क्या बनेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव एग्जांपल। इसका एग्जांपल है, अब मान लो मैं इधर हटा के क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कोई भी और चीज लाइक अमोनिया, तो इसके मिरर इमेज में यहाँ भी क्या आ जाएगा? अमोनिया आ जाएगा। क्या ये मिरर इमेज सुपरइम्पोज होगी? तो ये क्या बन गया? ऑप्टिकली उठाना कैसे है? इस तरह उठाना है पूरे का पूरा और ऐसे लेके जाना। आपको लगता है कि सेम चीजें ऊपर आ रही है? क्लोरीन के ऊपर क्या आ रहा है? अमोनिया, अमोनिया के ऊपर। बट अगर अगर मैं इधर क्या कर दूं, दोनों जगह सीएल लिख दूं, इधर भी सीएल इधर भी सीएल इधर भी सीएल, अब उठा के जाता हूं, अब देखो ठीक आ रहा है, देखो सेम, जहां एफ है वहां एफ आ रहा है, जहां सीएल है वहां सीएल आ रहा है, जहां बी आर है वहां पे बी आ रहा है। तो ये क्या है? दिस व्हाट बेटा, बात समझ आ रही है? एक ये वाला टेक्निकल एग्जांपल, एक एक्टिव का बना लो और एक इनएक्टिव का, जल्दी से बनाइए।